दिलचस्प तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। बुलडोजर पर चढ़े हुए हैं इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता। इस बुलडोजर का खूब जिक्र बढ़ा चढ़ाकर योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये देखिए के शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। के शर्मा साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार प्रदर्शन आपका उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर जो है वो क्या गेम चेंजर साबित हुआ? ये जो आपने एक नारा दिया कि योगी आएंगे तो बुलडोजर चलेगा, और यही लोगों को अपील कर गया? नहीं, ये तो है ही है, लेकिन ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में आतंकियों का और अवैध कब्जा का जो मामला था सपा के दौरान, और जो सपा के नेताओं के द्वारा किया जाता था वहाँ अवैध कब्जा, ये उसके लिए बुलडोजर की बात है। क्योंकि वहाँ पर जिस ढंग से सपा सरकार के दौरान में अवैध कब्जे हुए, जो माफियाओं का वहाँ आतंक बढ़ा, जो वहाँ गुंडा टैक्स वसूली हुआ, ये उन पर हमने बुलडोजर चलाया, उस समय भी चलाया और आगे भी ऐसा भी कोई वाकया होगा तो उस पर निश्चित कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। के शर्मा साहब, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां वहां पर बनी, नीतियां जो बनाई गरीब कल्याण की, और जिस ढंग से योगी जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है जमीन पे, निश्चित तौर से जनता ने उस पर आशीर्वाद दिया है और कानून व्यवस्था हो। के शर्मा जी, ये बात सच है, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। एक साल से किसान आंदोलन चल रहा था, आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग आपसे नाराज बैठे थे, उसके बावजूद आपने वो कर दिखाया जिसका सिर्फ आकलन भर ही किया जा सकता था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।